श्री विश्वनाथ का मंदिर कौन है? गेट दिखाई दे रहा है ये वाला। अच्छा यही सीधे चले। हेलो दोस्तों, आपका रंजीश श्री ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ, वाराणसी का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह। पूरे हिंदुस्तान भर में इस जगह को घूमने के लिए हमारे देशवासी बहुत उत्सुक रहते हैं। हमारे देशवासी ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई लोग वाराणसी घूमने के लिए आते हैं और उनका ये सबसे पसंदीदा जगह होता है हमारे भारत में। दोस्तों मैं आज आपको इस मंदिर का दर्शन करवाने वाला हूं, इस मंदिर के दृश्य से अवगत कराने वाला हूं। इस मंदिर में हम लोग प्रवेश दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मेन रोड से गोदौलिया चौक होते हुए इस मंदिर में प्रवेश किया जाता है और दूसरा हम लोग दशोमेध घाट पर से स्नान करके इस मंदिर के पिछले दरवाजे यानी जिसको हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं उससे प्रवेश कर सकते हैं। अभी ये दृश्य जो है वो कॉरिडोर का ही है, मणिकर्णिका घाट से चढ़ते हुए ये कॉरिडोर आपको मंदिर में प्रवेश करता है। देखिए इसकी सीढ़ी कितनी ऊंचाई तरीके से जा रही है और ये केवल वन स्टेप में नहीं है, ये पहले फर्स्ट स्टेप में एक सीढ़ी है, फिर सेकेंड स्टेप में सीढ़ी है, फिर थर्ड स्टेप में सीढ़ी है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितने बड़े रूप में फैला हुआ है, बहुत बड़े रूप में फैला हुआ है। दोस्तों कॉरिडोर से एंट्री करने पर बाबा के मेन मंदिर में घुसने से पहले हम लोगों को 6 स्टेप से होके गुजरना पड़ता है। ये मंदिर के तीसरी सीढ़ियों पर से जाने के बाद ये आप जो लंबी सी कतार देख रहे हैं ये आपका चौथा स्टेप है, फिर उसके बाद पांचवा स्टेप एक और आएगा और फिर छठे स्टेप में आप मेन मंदिर में एंट्री कर पाइएगा। तो ये जो है ये है काशी विश्वनाथ की भव्यता जो दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। तो मैं आपको ये दृश्य अभी अपने कैमरे से दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं गया तो कितनी भीड़ थी और एक बात और, इस दिन रामनाथ कोविंद जी भी आए थे हमारे राष्ट्रपति, जिसके वजह से यहाँ की सिक्योरिटी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, बहुत ज़्यादा सुरक्षा। तो हम लोग को तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ी जल चढ़ाने के लिए, फिर बाबा का दर्शन करने के लिए और साथ साथ में धूप, इतना ज़्यादा कीमत पूछिए। तो इस समय में ऐसा नहीं कि वाराणसी घूमने का कोई एक पार्टिकुलर समय होता है, वाराणसी किसी भी समय घूम सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वाराणसी घूमने का जो सही समय है वो ठंड के समय में या फिर बारिश के मौसम में, इस समय में आप घूम सकते हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लिया, दर्शन कर लिया और हम लोगों के माथे पर यहाँ की भव्यता जो सबसे मानी जाती है यानी यहाँ का मार्क लग गया। बनारस ट्रिप ओवर, अब हम लोग सीढ़ी जाएंगे वाराणसी स्टेशन इन पटना। बाय बाय वाराणसी। हमने एग्ज़िट किया था गोदौलिया मार्केट वाले मार्केट से, तो ये देखिए गली है जो मंदिर की तरफ प्रवेश करती है, लेकिन एग्ज़िट ये छोटी पतली गली, फिर ये आगे जाके गोदौलिया मार्केट में डायरेक्ट निकल जाता है, जहाँ से हम लोग फिर वाराणसी के लिए ऑटो पकड़ के वाराणसी जंक्शन पर आ गए। ये देखिए वाराणसी जंक्शन, इसकी भी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है। और दोस्तों फिर हम लोगों की 3 बजे की ट्रेन थी, हम लोग 3 बजे ट्रेन पकड़े और फिर पटना आ गए। थैंक यू सो मच हमारे व्लॉग पे बने रहने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे दोस्त और आगे बढ़ाते रहिए रंजीश श्री ब्लॉग को, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आप लोगों का मनोरंजन करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नए उमंग के साथ। बाय बाय दोस्तों।